हाँ जी, आप कर रहे हैं जी फिफ्थ चैप्टर अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो अपना थ्योरी ऑफ डिमांड आ। तो अपने प्रीवियस वीडियो के डिमांड के कंसैप्ट करे ने, तो अपने लॉ ऑफ डिमांड करे आ। इस वीडियो जो नैक्सट कंसैप्ट ने आप करा, तो जो अपना पहला कंसैप्ट है जी अज का, वह है जी भी जो अपना डिमांड कर्व आ, जो स्लोप आ डाउनवर्ड क्यों हों, भी जो प्राइस घटता तो जी अपनी डिमांड आदि होंगी आ, भी वो जो रिलेशन आ कि नैगेटिव रिलेशन आ। जो अपना प्राइस की है ज्यादा आता जी डिमांड घट आ, जो अपना प्राइस डिक्रीज हों आप ज्यादा डिमांड करते हैं। तो हम कहते पहला की है सबस्टीट्यूशन इफेक्ट आ, इस दे विच की है भी जिमें अपनी टी एंड जी कॉफी आ, दोनों की ने सबस्टीट्यूट गुड्स ने। तो हम कहते मान लो भी जे कॉफी का जो प्राइस आ इनक्रीज हों, जी अपनी टी की डिमांड की होगी ज्यादा होगी, क्योंकि इस केस जी कॉफी आ वह अपने लिए की हो रही है कॉस्टली पै रही है, तो उसके केस के अपन जी टी आ की पेगी ज्यादा कॉस्टली नहीं पेगी। उस तो बाद आएगा जी इनकम फैक्ट, जिम्मे इन आप एग्जाम्पल लेके करते हैं भी, जिम्मे सपोज करो एक कंज्यूमर को 100 रुपीज ने एक कोई ए प्रोडक्ट आ, उसका पहला प्राइज 10 सी, तो वह आप 100 रुपए के किन्ने यूनिट परचेज कर सकते हैं जी 10। हुण मान लो भी जो अपना ए प्रोडक्ट जो पहला प्राइज 10 सी, हुण किन्ना हो गया 5 हो गया, तो हुण जी अपनी फिर रियल इनकम इनक्रीज हो भी यही जो अपनी 100 रुपए आ, 100 रुपए 100 के नाल आपां किन्ने यूनिट खरीद सकते हैं जी, आप 20 खरीद सकते हैं। तो जी प्राइस घटने के नाल अपनी डिमांड की हो रही है ज़्यादा हो रही है। तो उस तो बाद आ गया जी चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, कहते भी जिमें मान लो भी जो पहला कंज्यूमर से जिहड़े किसी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे, जिहदा हुण प्राइस डिक्रीज होया वा, तो कहते लोग ने उस नूं बहुत सारे लोग ने जिहड़े उधर की हो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, जिहड़ी प्रोडक्ट की की आ डिमांड करन लग जाते हैं, तो प्राइस घट गया तो उहदी डिमांड की करन लग जाणगे ज़्यादा हो जूगी। तो उस तो बाद जी लॉ ऑफ डमनीसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिमें हम जिमें आप किसी चीज़ की कंजम्पशन करते जाने कंटिन्यू, तो जी अपनी मार्जिन यूटिलिटी की डिक्रीज होंगी जाती है, जो अपना प्राइज आ कमोडिटी का, जी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी आ जो इक्वल होंगे ने, तो उसे इक्लिबरियम बनता। तो इस केस दे विच जे आप एडिशनल कंज्यूमर तो यूनिट ज़्यादा परचेज करेगा जे प्राइज की होगा जी लैस होगा। तो कहने का मतलब जो सिंपल शब्दों से गल करिए भी जे प्राइज घट आता आप डिमांड की करांगे ज़्यादा करांगे। उस तो बाद आएगा जी चेंज इन नंबर ऑफ यूजेस, जिमें कहते मिल्क आ, मिल्क नूं आपां बहुत सारे कामों के लिए की है जी यूज करते हैं, जे हुण मिल्क का प्राइस मान लो डिक्रीज हो गया तो वह आप यूज की करांगे बढ़ा देंगे इनक्रीज कर देंगे, तो उन्होंने आप बहुत सारे परपज लिए की यूज कर सकते हैं। मान लो हुण उहदा प्राइस की हो गया ज़्यादा हो गया मिल्क का, तो उन्होंने आप अपने जो मेन जरूरी मतलब जिहड़े मतलब परपज होणगे उहदे लिए आप करांगे यूज करांगे, मतलब कहण दा भी आप जी डिमांड आ कर देंगे डिक्रीज कर देंगे घट कर देंगे। तो उस तो बाद आएगा जी साइकोलॉजिकल भी फैक्ट आ, भी जे आप जो आम ज्यादातर गल करिए भी जनरल जे अपनी साइकोलॉजिकल पीपल आ भी जे दैट दे ऑलवेज प्रैफर करते हैं भी वो ज्यादा डिमांड करते हैं गुड्स नूं भी जिहड़ियां की होंदियां ने सस्तियां होंदियां ने। तो देखो कहिंदे इट इज़ द जनरल साइकोलॉजी ऑफ द पीपल दैट दे कहिंदे ऑलवेज प्रैफर टू बाय मोर ऑफ चीपर गुड एंड लैस ऑफ कॉस्टली वन। तो यह अपने कंसैप्ट से जिस कारण करके भी जिहड़ा अपना लॉ ऑफ डिमांड आ स्लोप आ की हुंदा वा डाउनवर्ड हुंदा। हुण आ गया जी एक्सैप्शन टू द लॉ, भी जिस केस दे विच लॉ ऑफ डिमांड की आ अपलाई नहीं हुंदा हैगा वह किहड़े किहड़े केस ने। पहला मान लो कि वार आ जां कोई एमरजेंसी आ, हुण कहिंदे कोई वार हो रही है उस केस दे विच भी डर आ भी शॉर्टेज ना हो जाए गुड्स की, तो उस केस दे विच की आ लोग ज़्यादा डिमांड करनगे चाहे प्राइज की आ जी ज़्यादा आ। वार दे टाइम भी इतने डर आ लोगों को भी जी गुड्स उन्होंने की आ शॉर्टेज ना हो जाए चाहे उस केस दे विच प्राइज की होवे ज़्यादा होवे, तां वी लोग की करनगे डिमांड उस गुड्स की ज़्यादा करनगे। उस तो बाद आ गया इग्नोरेंस, सम जिहड़े मतलब कस्टमर ने की आ इररैशनल हुंदे ने भी उन्होंने पूरी जी की आ नॉलेज नहीं हुंदी हैगी, जिस केस दे विच भी उन्होंने लगता भी जिन्हां दा प्राइज घट आ भी उन्हां दी क्वालिटी भी की होगी लो होगी, भी जिन्हां दा प्राइज ज़्यादा आ उस केस दे विच उन्हां लगेगा भी उन्हां दी क्वालिटी भी की आ ज़्यादा आ। तो इस केस दे विच जिहड़ा लॉ ऑफ डिमांड की हो जाता जी फेल हो जाता, क्योंकि आप घट प्राइस से डिमांड घट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा प्राइस के उपर डिमांड की कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं। उस तो बाद आ गया नसैसिटी ऑफ द लाइफ,
ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁੜਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪਰਚੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਥ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਆ ਇਸ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਹੋਊ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਡਿਕਰੀਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਪਵਰਡ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲੋਪ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਸਿਫਟ ਅਲੋਂਗ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨੇਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਟ ਅਲੋਂਗ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ 1। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 5। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 5 ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਪ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਔਨ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਪਵਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਲੋਅ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਟ ਅਲੋਂਗ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਔਨ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਆ ਡਾਊਨ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੁੰਦਾ।
इस केस भी जो अपना जो इनकम इनक्रीज हो रही है जो अपना प्राइस जो इनक्रीज हो रहा सबस्टीट्यूट गुड्स जिमें आपने टी एंड कॉफी की गल करी सी भी जो कॉफी का प्राइस इनक्रीज होगा तो टी की डिमांड की होगी ज्यादा होगी तो उस केस आप करते हैं अपनी डिमांड कर्व शिफ्ट होगी तो इतने प्राइस तो सेम आ जो आप टी की गल करिए प्राइस तो सेम आ बट कॉफी के प्राइस चेंज होने डिमांड की हो रही है ज्यादा हो रही है तो इस केस जी अपनी डिमांड कर्व राइट साइड की हो रही है शिफ्ट हो रही है डिक्रीज इन प्राइज ऑफ कॉम्पलीमेंटरी गुड्स जिमें कार एंड पेट्रोल की ने कॉम्पलीमेंटरी गुड्स ने जो प्राइज पेट्रोल का की होगा डिक्रीज होगा तो कार की जी डिमांड ज्यादा होगी तो उस केस भी आप राइट साइड की करा शिफ्ट करा जो प्राइज ने हो गए राइज हो एक्सपैक्ट कर रहे हैं तो जो पीपल ने तो इस केस की होगा भी जी अपनी डिमांड कर वो राइट साइड की आ शिफ्ट होंगी आ जो अपने ये कंसैप्टां दे विच इस तरह का चेंज आता तो जी अपनी डिमांड वो इनक्रीज होंगी आ इस केस जी अपनी डिमांड कर वो राइट साइड की होंगी जी शिफ्ट होंगी आ हुण दूसरा कंसैप्ट की है जी अपना डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड डिमांड कहते डिक्रीज कदों होगी जिमें इतने एग्जाम्पल भी पहला प्राइज अपना 10 सी आप 10 जो मान लो यूनिट परचेज कर रहे थे हुण किन्ने कर रहे हैं आप 5 बट प्राइज की अपना सेम इस दे विच भी अदर फैक्टर की ने चेंज हो रहे हैं हुण मान लो भी पहला अपने जी डिमांड कर्व आप इतने से उरे सी आ लैवल से सी हुण अपनी जी डिमांड कर्व लैफ्ट साइड की होगी शिफ्ट होगी मतलब डिमांड अपनी की हो रही है डिक्रीज हो रही है इस दे केस दे विच एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन की गल नहीं करते इस दे विच इनक्रीज इन डिमांड जां डिक्रीज इन डिमांड कहने आप जो अदर फैक्टर चेंज होंगे ने बट प्राइज ऑफ ऑन कमोडिटी की कमोडिटी की रहा अपना सेम रहा तो हुण देखो जो अपने पहला इनकम इनक्रीज हुई सी कंज्यूमर की तो डिमांड इनक्रीज हुई सी हुण मान लो भी जी अपनी इनकम आ कंज्यूमर की वह की हो रही है जी डिक्रीज हो रही है जो डिक्रीज होगी तो उस केस दे विच जी डिमांड आ की होगी घट होगी तो डिमांड की है डिक्रीज होगी जो अपनी डिमांड कर वो लैफ्ट साइड की होगी शिफ्ट हो जूगी उस तो बाद आ गया प्राइज ऑफ सबस्टीट्यूट गुड्स पहले इनक्रीज हो रहा सी हुण की हो रहा मान लो भी डिक्रीज हो रहा तो इस केस दे विच आपां डिमांड की करांगे डिक्रीज हो जूगी अपनी घट करांगे तो जिहड़ा पहला प्राइज कॉम्पलीमेंटरी गुड्स डिक्रीज होया थी तो डिमांड ज्यादा हुई सी हुण प्राइज अपना की हो रहा मान लो इनक्रीज हो रहा इस केस दे विच आपां लैफ्ट साइड की करांगे शिफ्ट करांगे उस तो बाद आ गया जी एक्सपैक्ट कर रहे हैं भी फ्यूचर दे विच जिहड़े प्राइज ने उह की होणगे डिक्रीज होणगे तो हुण अपनी डिमांड की हो जानी आ घट जानी आ जिस कारण करके अपनी डिमांड कर्व की होगी लैफ्ट साइड की होजूगी शिफ्ट होजूगी तो ये अज दे अपने कंसैप्ट सी जी इहदे विच प्राइज चेंज हो रहा ऑफ ऑन कमोडिटी इस दे विच प्राइज चेंज नहीं हो रहा अपने अदर फैक्टर की हो रहे ने चेंज हो रहे ने उम्मीद करते हैं जी अद्धे कंसैप्ट क्लीयर हो गए होणगे तां अपनी वीडियो लाइक शेयर जरूर करना जी थैंक यू।